इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कथा कहती है, मेरे राम जी कह रहे हैं, इसोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही सेवक है, वही प्रियतम है जो मेरे द्वारा स्थापित मर्यादाओं का पालन करे। भरत जी उसी राम अनुशासन का पालन करते। कब? पिताजी ने जिस धर्म का पालन किया, मेरे प्रभु ने कहा, सो तुम करहु करावहु मो तात तरनी कुल पालक हो, तात तरनी कुल पालक हो। अपने से श्रेष्ठ अपने पिताजी, अपना राजा, प्रजा से, पुत्र से और कनिष्ठ से जब कोई बात कहे, इस भाव में कहे, उसमें उसका अर्थ छिपा होता है। हम दो दिनों से नित्य आपसे एक ही बात कह रहे हैं, समाज में जो भी अनुशासन, दुष्चरित्रता, विकटता, उदंडता दिखती है, उसके और कोई जिम्मेदार नहीं, हम ही जिम्मेदार हैं। हम अपने को दोषी क्यों नहीं मानते हैं? हम दूसरे की ओर क्यों दृष्टि डालते हैं? भगवान ने अपने को जिम्मेदार माना, हमको इसका पालन हम नहीं कर पा रहे हैं। आप भरत जी कराइए, अनुशासन का पालन श्रेष्ठ को करना चाहिए। जो नियम बना दिया गया, नियम सबको पालन करना चाहिए। देखिए, एक संस्था है भारत में, यहां क्या बोलते हैं वो जो सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन होता है, सहकारी समिति, रजिस्ट्रार फंड्स एंड सोसाइटी फंड्स, 1961 में उसका नियम लागू हुआ। हमारे एक मित्र रजिस्ट्रार थे, तो उनसे मैंने पूछा कि हमको भी संस्था बनानी है, नियम क्या है? बोले, महाराज कोई नियम नहीं है, आप जो नियम बना लेंगे हमको दे देंगे, उसको हम रजिस्टर्ड कर देंगे, आप ही उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसको भी हम रजिस्टर्ड कर देंगे। आपके द्वारा ही बनाए हुए नियम का आपको ही पालन करना है। हम उस नियम को देखकर केवल ये देखेंगे कि आप अपने द्वारा बनाए नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं। यही धर्म है। हम हमारे द्वारा ही नियम बनाते हैं और हमारे द्वारा ही नियम का पालन करते हैं। यदि हमने नियम बनाकर पालन नहीं किया तो प्रकृति हमारे प्रतिकूल चली जाएगी। शेर आएगा, चीता आएगा, आजकल जहां भी प्रवचन सुनिए, बड़ा कलयुग आ गया है, चारों तरफ अनाचार फैला है, यही प्रवचन है, कहीं कलयुग नहीं है। झूठा आदमी कलयुग में जीता है और ये भगत लोग सब सतयुग में जीते हैं, कहीं कलयुग नहीं है। दो बात, बेरोजगारी, कलयुग, आतंकवाद, ये सब छोड़ने छोड़ाने, समापन करने और दूसरों को समझाने के लिए है साहब, कहीं कुछ नहीं। आलसी आदमी के लिए बेरोजगारी है, जो आदमी आलसी है
क्या करेगा। किसी ने मेरे से पूछा, महाराज आप कथा न करते क्या करते? तो मैंने कहा मैं आलू बेचता। कैसे? मैंने कहा ट्रक का ट्रक खरीदता और बेचता, वो भी बोरा पर बैठ कर न बेचता, ट्रक टे ट्रक बेचता। क्यों? करने वाला माई बाप कुछ भी करता है, नहीं करने वाला घर में ही पूछते हैं। घर में कोई काम नहीं है, पूरे घर में पोछा लगाओ, सोफा हटा दो, सोफा के नीचे कितने जाले लगे होंगे, जब बना तब से ही सोफा लगा है, उसको साफ करो, काम की कमी है। सारे बाथरूम साफ करो, पानी की टंकी 100 साल पहले लगी थी उसको धो लो, 3 दिन का काम है, काम की कमी है। आलसी आदमी के लिए कहीं काम नहीं है साहब, और करने वाले के लिए सब जगह काम है। हम अपनी किसी समस्या का किसी को कारण न माने, अच्छाई के भी हम माध्यम हैं और बुराइयों के भी हम ही माध्यम हैं। हम दूसरे क्यों रंगोली उठा देते हैं? इनके कारण ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा, प्रजा के कारण हो रहा है, हमारे कारण हो रहा है। राजा हम बनाते हैं, प्रजा राजा बनाती है, भक्ति कौन करेगा? हम करेंगे। आप जरा विचार करिए, हम इतने लोग कथा में बैठे हैं, एक श्रोता कम से कम 10 लोगों से संबंध रखता है, 1 × 10 आपकी संख्या यदि 20,000 होती है तो 20,000 × 10 कितना हो गया? 2,00,000 लोग यदि अपने घर में भगवान का भजन करें, राम जी के संस्कार में रहें, तो उन 2,00,000 लोगों का संबंध 10 लोगों से होगा, 2 करोड़ लोग भगवान के भक्त अपने आप बन जाएंगे। कौन करेगा? सो तुम करहु करावो मोही। हम वो कर नहीं पा रहे, क्यों? ये मेरा गजल बहुत प्यारा है, एक ही अंतरा इस काम को याद है, सुनिए। यहाँ सभी मस्त हैं, किसको संभाले, सभी मस्त हैं कौन किसको संभाले, इसे देखिए लड़े खड़ा ने लगा है, सभी मस्त हैं कौन किसको संभाले। जमाना नसीब नरमाने में हम, जमाना नशे में जमाने में हम हैं, जमाना नशे में जमाने में हम भी, जमाना नशे में जमाने में हम भी, हम पे इल्जाम आने लगा है, जा आने लगा है, जिसे देखिए लड़ खड़ा ने लगा है, सभी मस्त है कौन किसको संभाले। आदमी सुनता है समझता नहीं, हमारा सुनता है तो करता नहीं। अपने राम जी तो कल विदा लेंगे चेन्नई, हमार क्या हम तो दीवाने ठहरे, हमारा तो क्या हम तो दीवाने ठहरे, चले तो चले 9 दिन बैठे तो बैठे, चले तो चले और बैठे तो बैठे, तुम्हारी नजर इतनी बेताब क्यों है, तुम्हारी नजर इतनी बेताब क्यों है, तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है, मस्त है कौन
किसको संभाले, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, सभी मस्त को किसको संभाले। कौन ठीक होगा और कौन ठीक करेगा? मेरा एक सूत्र है, निवेदन करता हूँ, किसी को ठीक मत करिए वरना सब मिलकर आपको ठीक कर देंगे। सबकी अपनी गति है साहब। हम तो निवेदन करते हैं कि देश में 100 कथाकार हैं और एक कथाकार को कम से कम 1,00,000 लोग महीने में सुनते हैं। सतीश भैया, 100 × 1,00,000 कितना हुआ? 1,00,000। 5 0 पहले था और 2 और बढ़ गए, कितना हुआ? 1,00,000 × 10 करिए, कितना हुआ? 10 करोड़। अब आप सोचिए, यदि सारे कथाकार लोग ही 100 का प्रचार करेंगे तो 5 वर्ष में पूरे भारतवर्ष की आबादी सतयुगी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? प्रेक्षक ने आज एक प्रश्न किया कि महाराज आप तो कहते हैं कि भगवान 5 तत्वों के नियंत्रक हैं, आजकल तो बहुत भगवान हैं, किसको माने? सनातन धर्म की आंख का नाम है श्रुति, ठीक? भगवान शिव कह रहे हैं देवी, आद्यंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। क्या भगवान के बारे में? बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। हमारे भगवान सोते नहीं, हमारे भगवान खाते नहीं, रस लेते। हमारे भगवान का स्वरूप दिखता नहीं, लेकिन वो घ्राण शक्ति से सुगंध भी लेते। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, लेते। अस सब भांति अलौकिक करनी जिसकी हो वो भगवान है। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। हमारे भगवान का मृत्यु नहीं, लोगों ने बना रखा है। अरे भगवान का जन्म नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने एक दिन निवेदन किया था, जन्म कर्म चमे दिव्यम अलौकिक है। हमारा जन्म कर्म सब अलौकिक है। अब आप कहो हम तो मानते नहीं, आपके मानने से क्या होगा? कोई कहे हम नहीं मानते, मानते तो बहुत कुछ लोग नहीं है, तो मानने से क्या होगा? उल्लू नहीं मानते कि सूर्य भगवान का अस्तित्व होता है। क्यों? जब सूर्य भगवान आते हैं तो उल्लू को दिखाई देना बंद हो जाता है, देखता ही नहीं। तो जो देख ही नहीं रहा है उसको क्या पता, हाँ सूरज का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य के आने पर उसको दिखता नहीं है, दिखता है भगवान है। अच्छा, हम कहते हैं भगवान नहीं है। अब जरा सोचिए, अभी सतीश भैया ने कहा कि इतने लोग सुन रहे हैं कथा, ऐतिहासिक कथा, जो कुछ भी है इनकी श्रद्धा है, हम इनके भाव का आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, यदि भगवान नहीं है राम, और राम कथा भगवान की कथा नहीं है, तो हम इतने लोग सब काम छोड़ करके उनकी बात सुन क्यों रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं, क्या मतलब है? अरे घर में तो कोई किसी की बात सुनता नहीं, किसी को बुलाइए भैया सुनो, अभी रुको आ रहे हैं, बहुत बिजी हैं, ले। भगवान की भगवत्ता ही भगवान की कथा में हमको रमा देती है, और ये
केवल कहानी नहीं है, संतों ने, साधकों ने, सिद्धों ने इन भगवान का अनुभव किया है। सबने भगवान के तत्व का अनुभव किया। उसी तत्व की चर्चा हम जब सुनते हैं तो बरबस सब काम छोड़कर हम कथा में लग जाते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।